अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रोशन टीवी चैनल की तरफ से आपका भाई मोहम्मद रोशन। और आज का जो उन्होंने वो टड्डी दिल के बारे में, टड्डी दिल कहां से आई, कैसे आई और इसको कैसे ख़त्म किया जाता है। कहते हैं कि पहली जंग अजीम के दौरान शाम के शहर में टड्डी दिल ने हमला किया और बहुत सी फसलों और इनको तबाह बर्बाद कर दिया, मखलूक को मौत के घाट उतार दिया। उस दौरान गोता के गाँव दरिया में एक ऐसा बाग है जो बिल्कुल टड्डी दिल ने उसे हमला भी नहीं किया और वो तरोताज़ा रहा। तो वहाँ के लोगों ने हुकूमत से अपील की, कहते कि ये ऐसी दवा इस शख्स के पास है जो इस शख्स ने हमें नहीं बताया और लिहाजा इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि क्यों इसने नहीं बताया और हमारी फसलें तबाह हो गई। तो हुकूमत ने एक फ़ौज का एक दस्ता उसके पास भेजा और उसको कोड़ा उठा के एक अफसर ने बोला, कहता है शख्स क्यों तूने नहीं बताया, तेरे पास तो टड्डी दिल की दवा है और तूने बाकी फसलें तबाह कर दी और अपना बाग बचा लिया। तो उसने कहा ये दवा तो हर इंसान के पास है लेकिन इंसान वो इस्तेमाल नहीं करता। मैं कहा क्या वजह, वो क्या बात है जो आप दवा आप कह रहे हैं लेकिन बताते नहीं हैं। कहते दवा है ज़कात, अगर आप इन फसलों की ज़कात दें, आप इस फसलों की ज़कात दें तो कभी यह टड्डी दिल आप पर हमला नहीं करेगी। तो उस आदमी ने कहा, अफसर ने कहा नहीं ये झूठ है। उसने शख्स ने कहा कि आप तजर्बा करें। उस अफसर गया, वो टड्डी दिल का एक तोड़ा लेकर आया, उसने आके उसके बाग में छोड़ा लेकिन टड्डी दिल का एक भी कीड़ा, टड्डी दिल वाला वो नहीं बैठा बाग के ऊपर नहीं बैठा, वो बाग में उड़ गया और बाकी फसलें फिर दोबारा तबाह कर दी। तो वो शख्स ने कहा देख अफसर, ये टड्डी दिल जो है मेरे बाग पे हमला नहीं किया लेकिन बाकी जिसने ज़कात अदा नहीं की वो उन टड्डी दिल ने उन पर हमला कर। वो अफसर अफसरदा हो गया, उस जाके हुकूमत को बताया कि बात ये है। तो उस शख्स ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यही टड्डी दिल वो जो ज़कात नहीं देते थे उनकी फसलों को तबाह करते थे। मैं आपको यही तफसील बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि टड्डी दिल जो है इसकी कोई दवा या कोई स्प्रे नहीं है, ब्रह मेहरबानी जिस तरह कोई कोरोना का इलाज नहीं है ना, इस तरह ये टड्डी दिल का भी इलाज नहीं है। ये ब्रह मेहरबानी आप अपनी फसलों को ज़कात दें, अपनी फसलों की ज़कात दें। और ब्रह मेहरबानी जो मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि फेसबुक में मैंने कल और परसों पढ़ा कि एक आदमी की 17 एकड़ रकबा था, 17 एकड़ में 7 एकड़ उसका बचा, 10 एकड़ उसका तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि वो उस 10 एकड़ का उसने ज़कात नहीं दी थी, वो सिर्फ 7% ज़कात, 7 एकड़ों की ज़कात देता था। तो अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे और बड़ा मेहरबानी बार बार अल्लाह ताला से गिड़गड़ा के दुआ मांगे, उनके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अपने फसलों की ज़कात दे। इंशाअल्लाह ये टड्डी दिल ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।